ये दोनों जब बहुत छोटे थे तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट के पास से मिले थे। जब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, गाड़ी से देखा तो दो नन्हे पपीज रोड के किनारे बैठे हुए थे। तो मैंने फौरन गाड़ी को रोका, वो गाड़ी से उतर के देखा, बहुत ज्यादा बीमार थे, कुछ खाने की कंडीशन में भी नहीं थे। तो मैं फौरन बिना वेट किए मैं इनको डॉक्टर के पास ले गई। ये राध्या जी, जिन्होंने अपनी अमेरिका की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्होंने यहाँ आके दो देसी डॉग्स की जिम्मेदारी उठाई। हम वेट के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनको बहुत ज्यादा सर्दी लगी है। मैं इनको फिर लेके अपने फ्लैट पे आ गई। मैंने इनको सेपरेट रूम में रखा हीटर के आगे। जितनी ही मेरी स्वेटर्स थी वो निकाली। फिर मेरे को था मैं अप्रैल में जाऊंगी अमेरिका, बट रानी और प्रिंस भी मेरे साथ रहते रहे। लॉकडाउन में कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी होटल खुला हुआ नहीं है। अगर मैं इनको बाहर छोड़ देती हूँ तो कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, कोई होटल ओपन नहीं है, तो ये खाना कहाँ से खाएंगे। तो जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि ये लोग को जब पहली बार अगर मैंने इनको बाहर छोड़ा और जब इनको पहली बार प्यास लगेगी, इनको खाना चाहिएगा, तो ये क्या करेंगे। फिर मैंने इनको छोड़ने का इरादा चेंज कर दिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा और मैंने अपनी अमेरिका की जो ट्रिप थी वो कैंसिल कर दी। Rani got new shoes. Wow, Rani got a shoes. काफी लोगों ने मुझे बोला ये कहाँ से उठा लाई हो तुम, कहाँ से सड़क के डोगी उठा लाई हो, ये सब बोला। तो मैंने उनको यही बोलती थी कि ये जो है किसी ब्रीड से कम नहीं है। इनका जो लालन पोषण होता है वो ब्रीड का डॉग का भी नहीं होता होगा। रानी प्रिंस नाम रखने के पीछे एक मैं सोचती थी, काफ़ी रात को सारी रात सोचती रहती थी कि जैसा नाम दो वैसा ही लक बन जाता है। तो मैंने इनका नाम इनको रानी दिया। रानी जैसे रानी होती है, रानी की तरह राज करने वाली, तो जो बेटी है रानी उसको मैं रानी नाम दिया। और जो ये फीमेल डॉग है इसको मैंने प्रिंस नाम दिया। जो भी डॉग पालने में इंटरेस्टेड है उसको सोचना चाहिए एक बारी के जो बाहर डॉग घूम रहे हैं उनको एक उनको ही घर ले आए, उनको भी बात देकर अच्छे से उनका इलाज करा के उसको ही अपने घर का मेंबर बना लो, बजाय आप 50,000 1 लाख रुपीस के डॉग लेकर आते हो। तो ऐसा तो नहीं है, जब बाहर लाइफ घूम रही है बेचारी एंड रात को जब रोते हैं तो आप घर से बाहर जाइए, अपने घर से बाहर रोते हुए डॉग को घर लेकर आइए और उसको एक अच्छी लाइफ दीजिए। फिल्मी हीरोज की कहानियां तो हम सुनते रहते हैं, मगर इन रियल लाइफ हीरोज की कहानियां बाहर आना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी किसी ऐसे रियल लाइफ हीरो को जानते हैं तो उनकी कहानी प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा।